हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है राइट नाउ, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। गाइस, टाइम स्टेटिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी सबसे रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बाय द वे, ये जो मेहंदी आप देख रहे हैं ये मैंने लगाई है, कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नंबर नाइन सितंबर मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो राइट नाउ आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी देख रहे हैं। एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की। लेकिन आपने अगर नोटिस किया, इस लड़की के पास सब कुछ है। देखिए इनका फिजिकल अपीयरेंस देखिए, महारानी और जैसे इनके आप शॉप देख सकते हैं, इनके हाथ में जैसे एक पैरट भी है, मतलब सब कुछ है। बैकग्राउंड में हरियाली भी है, पैसा भी है, अच्छे खासे कपड़े भी पहन रखे हैं, लेकिन स्टिल ये बहुत सैड है। कहने का मतलब ये है आपके जो पर्सन है, आप देखिए ये बहुत सैड है। सो कहने का मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप इंडिपेंडेंट है, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, चाहे हो नहीं, चाहे आपके जेब में चमन्नी ना हो, लेकिन आपके पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा, ऐसा समझो कि आपकी जेब पैसों से भरी पड़ी है, जेब ही नहीं पर्स भरा पड़ा है, ये आपका जो घर है वो सब मतलब फुल ऑफ मनी। लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, ऐसा ये आपको देख रहे हैं। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाओ आपके पास, लेकिन आप मुझे कभी भूल ही नहीं सकते। सो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, या फिर ये सही भी हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कुछ हद तक कि आपके पर्सन सही देख रहे हैं आपको। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप अपसेट हैं, आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। वैसे आपके पर्सन कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। ओके, और क्या है आज करंट फीलिंग्स में? सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो। वाओ गाइस, लिटरली वाओ, एम्प्रेस। क्या पी के आपने ये रीडिंग देखना स्टार्ट किया था? एम्प्रेस गाइस, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अगेन आई एम शब्दहीन। अब आप ही देखिए, ये आप है, यकीन नहीं हो रहा ना? ये आप ही हैं, यकीन करो मेरा। आपको आपके पर्सन बहुत हाईली देख रहे हैं, इतना हाईली, इतना हाई कि मतलब इनकी औकात से बाहर। मतलब कहने का मतलब है, औकात मतलब ये अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपके काबिल नहीं है। आप में ये 36 नहीं, पता नहीं कितने 56 गुण देख रहे हैं 36 के बजाय। मतलब बहुत ज़्यादा गुण इनको आप में अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपकी नेगेटिविटी पर पॉइंट किया, लेकिन अब ये आपकी पॉजिटिविटी पर फोकस कर रहे हैं। आप में क्या क्या खासियत है उस पर ध्यान दे रहे हैं। सो आपको मदरली नेचर आपका देख रहे हैं। जैसे इनकी लाइफ में, जैसे मान लीजिए एक लेडी जो इनका बहुत ख्याल रखती थी, वो इनकी माँ थी। उसके बाद सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनको सच्चा प्यार दिया है। इस दुनिया में एक माँ ही तो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, और आपने वही भूमिका निभाई है। आपने इनकी लाइफ में, आपने अपने पर्सन को वो केयर, वो लव, वो प्रोटेक्शन दी है, जहाँ आपके पर्सन लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप तो मेरी माँ निकले। क्या पता मजाक में आपको कहते भी होंगे, अरे मेरी माँ ठीक है, जो तुमने कह दिया वो ठीक है। वैसे एनर्जीज हैं ये, अगर आप लड़का देख रहे हैं तो ये आपको फादर फिगर देख रहे हैं, जैसे आपको मतलब बहुत ही केयरिंग देख रहे हैं। जैसे एक फादर अपने बच्चों का कितना ख्याल रखता है, जैसे एक मदर कितना ख्याल रखती है, वैसे आपको देख रहे हैं। सो आपको बहुत ही हाईली, मतलब फुल ऑफ रिस्पेक्ट, आज तो रिस्पेक्ट भर भर के मर रही है। वैसे देखा जाए अभी जो और दिन गए निकले थे, और दिनों तो इनको
इनके मन में प्यार उमड़ता था, स्पेशली वो तो नाइट में उमड़ता है इनका, लेकिन दिन में तो इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट उमड़ रही है। वाह ग्रेट। चलो कम से कम क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा सोचा तो सही। जय सिया राम। और क्या है, सो गाइस आप तो छा गए हो। मुझे नहीं लगता आपकी जगह इन पर्सन की लाइफ में कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें राम जी। जय सिया राम। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके वन मोर कार्ड। जय सिया राम। मुझे लग भी रहा था। ओके सो आपकी पर्सन फिर भी ना कुछ आपको इतना हाईली देख रहे हैं, इतना मतलब प्यार उमड़ रहा है, इतनी रिस्पेक्ट आ रही है इनके मन में आपको लेके, और इनको ऐसा भी पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, स्टिल ये कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसका वन एंड ऑनली रीज़न इनके पेरेंट्स है, इनकी फैमिली है। यहाँ मुझे एक कपल दिखाई, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, सो ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सोर्ट्स मुझे सेकंड ऑप्शन बता रहा है। सो किसी सेकंड ऑप्शन के चलते ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी कोई फैमिली हो सकती है, जिसके चलते हुए ये मतलब ऐसा नहीं कहूँगी इन्होंने होप लूज कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे होप दिख रही है, स्टार मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपको आप देख रहे हो यहाँ पे एक रोशनी। इन्होंने हिम्मत तो ऐसे समझो कि इन्होंने गिव अप तो बिल्कुल नहीं किया, दिमाग से निकाल देना गिव अप इस कनेक्शन पे बिल्कुल नहीं किया, लेकिन हाँ हालातों के चलते हुए ये इंसान अभी इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये इंसान जैसे बहुत डीपली अभी सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या इनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। और इतना मैं बता दूं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन अगर किसी से आपको कंपेयर कर रहे हैं तो पलटा आपकी आप ही का भारी है, ठीक है। सो आपके पर्सन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में इनको समझ नहीं आ रहा, ये स्टिल कन्फ्यूज है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई क्लियर रास्ता ये नहीं देख पा रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इनको आपको चूज़ करना चाहिए या इनको अपनी यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी हो सकता है, इनके मदर का कोई इशू हो सकता है या फिर इनकी वाइफ का। सो इनके इनको समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त इनको कौन सी राह चुननी चाहिए। वर्गो स्ट्रांगली आपके पर्सन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, और यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन एयर साइन भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके और क्या है, जय सिया राम। वर्गो यहाँ पे दिखा है स्ट्रांगली, देख लीजिएगा। ओके अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो देखिए इनका एक्शन तो इमेच्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको जैसे दूर से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, और देख के तो इनको एहसास हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत जैसे आपने बत्ती से दिखा रखी है किसी डीपी में, और आपने वो ही अपनी प्रोफाइल रख ली है, मतलब आपने कोई अपनी पिक ऐसी और वही अपने प्रोफाइल में अपनी प्रोफाइल में वो पिक लगा रखी है, और उस पिक्चर में आप बत्ती से दिखा रहे हैं, स्टिल आप मतलब आपके पर्सन लिटरली फील कर पा रहे हैं कि आप उन उस हंसी के पीछे आप अपना गम छिपा रहे हो। ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या है गम जो छिपा रहे हो, ऐसा इनको डाउट हो रहा है। ऐसा आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और इनको फील होता है गाइस, आपका पेन इनको फील होता है, आप माने या ना माने। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही इंडिपेंडेंट कार्ड है, लेकिन अगर आप नोटिस करें इसके फेस को तो ये बहुत ही अपसेट है। सो आपके पर्सन ऐसे ही आपकी पिक्चर को ऐसे जूम कर करके ताड़ रहे हैं, और इनको पता लग रहा है कि आप फेक स्माइल, देखिए क्या करूँ गाइस, इसको हटा भी नहीं सकती, टेढ़ा है पर मेरा है पड़े रहने दो इसका हमेशा से यही नाटक है, चलने दो। मुझे लगता है आपकी पार्टनर की एनर्जी से ये भी इसको भी फर्क पड़ रहा है संगत का असर है भाई और क्या है, जय सिया राम। क्या जान जाए लेकिन घमंड ना जाए, पहले के ज़माने में ये हुआ करता था, क्या प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपके पर्सन का ये रूल है कि प्राण जाए लेकिन घमंड ना जाए, ईगो ना जाए, तो ये जाने नहीं दे रहे अपने ईगो को। यहाँ पे देखिए अगेन एक
मुझे पेयर दिखा है, अगेन एक कपल, एक जोड़ा दिखा है. सो स्ट्रांगली आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में, डेफिनेटली फॉर श्योर, यहाँ पे मेजर अरकाना के दोनों ही एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आया है. दैट मीन्स या तो आपको सोलमेट हो सकती है एक दूसरे के, या फिर आप ट्विन हो सकते हैं. सो आपके जो पर्सन है ये जैसे खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इन पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं गाइस. ये आपको इजी लगता होगा कि मैम एक कॉल ही तो करना है, मैम एक मैसेज ही तो करना है, जब इतना प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट है तो मैसेज क्यों नहीं करते. लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये इंसान आगे तक की सोच रहा है भी. अभी ये सोच रहा है कि इनके एक ऐसा मान लीजिए, अगर ये आपको मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं ना, तो उसके साथ ही कई चीज़ें सोचते हैं कि अगर इन्होंने आपको मैसेज कर दिया तो फिर आप इनसे फिर से उम्मीदें लगा बैठेंगे, और फिर शायद ये अपनी, ये आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतरे, क्योंकि इनके साथ इनकी फैमिली भी है, इनके साथ और चीज़ें भी चल रही हैं इनकी लाइफ में, तो इनको सबका सोच के चलना पड़ रहा है. सो आपको ईजी लगता होगा कि आपकी तरफ आना बहुत ही ईजी है. नहीं, आपको अप्रोच करना इतना भी ईजी नहीं है इस इंसान के लिए, तो बिल्कुल नहीं है. क्योंकि ये इंसान एक प्रोवाइडर है, ये अपनी फैमिली में बड़े हो सकते हैं, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सी हैं, चाहे ये बड़े हों चाहे छोटे हों, बट इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है. दैट्स वाई आपकी पर्सन इतना ईजी नहीं है आपको अप्रोच करना. और वैसे भी आप तो एम्प्रेस हैं, आपको ऐसे हर कोई मुंह उठा के अप्रोच कर लेगा क्या? आपको अप्रोच करने के लिए इस इंसान को आपकी वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, आप ही की तरह इनको थोड़ा बनना पड़ेगा. जैसे आपने इनर वर्क किया है ना, वैसे ही इनको भी इनर वर्क करना पड़ेगा, आप ही के लेवल पे आना पड़ेगा, तब जाके इस इंसान में हिम्मत आएगी कि आपको अप्रोच करें. ओके, अभी हम आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं. ओके, आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस. आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि फिर से मेरे को जुकाम लग गई है, क्या करें, आपकी दीदी को पता नहीं क्या चुलमची रहती है, इतनी सर्दी में भी ठंडा पानी पीने का बहुत मन करता है. इसमें गर्म पानी से किक नहीं मिलती. भुगतो इस किक को. हो गया जुकाम. ओके, आई वॉन्ट ए मीटिंग. आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं. ओके, भले ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं. जैसे ही आपने कोई इशारा किया, ये दौड़े दौड़े आ जाएंगे. तो इशारा करो इनको. वो इशारा करो, आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया. I'm working on myself, for myself, by myself. देखिए एटीट्यूड, ईगो देखिए आपके पर्सन का. आपके पर्सन बिजी हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और बट आपसे मिलना चाहते हैं. ये अभी जो कुछ भी बात करना चाहते हैं वो आपसे मिलके ही करेंगे. जय सिया राम. और क्या है? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ. आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है कि मैम आप ये मेहंदी क्यों लगाते हो, मतलब उतरने ही नहीं देते, तो मैं आपको बता दूँ क्या हुआ. कि एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी शादी में मेरी जो ब्राइडल जो मेहंदी थी वो अच्छी नहीं लगी बनी, मतलब किसी ने अच्छी नहीं लगाई थी. मैंने किसी को हायर किया था मेहंदी वाले को, तो उसकी जगह किसी और को भेज दिया और बिगाड़ दिया मेरा हाथ. तब से मैं, मतलब वो दिन है, तब से क्या है मेरे को बस ये है कि चल भले ही मेरे विवाह में मेरा जो एक्साइटमेंट मेरा पूरा नहीं हुआ, जो मैं चाहती थी वो नहीं हुआ, लेकिन अब कम से कम मुझे मेहंदी लगानी आती है, तो कम से कम मैं खुद तो कर सकती हूँ ना. बस मेरा मन है, मेहंदी का शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई वॉन्ट स्ट्रेंथ. आपके जो पर्सन है इनको स्ट्रेंथ चाहिए. मैंने कहा ना, इनको स्ट्रेंथ चाहिए. इनके पास अभी इतनी हिम्मत नहीं है आपको अप्रोच करने की, समझो बात को. अभी बहुत ज़्यादा आप इनकी नज़रों में बहुत ऊपर हो, बहुत ऊपर, आपको बहुत हाई देख रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि आपके पर्सन आपको, मतलब घबराते घबराते कोई मैसेज करे या कॉल करे और आप ऐसा रिएक्शन उनको दे दो अपनी तरफ से कि इनको इनको लगे अरे रे रे, ये तो एक साल और वेट कर लेती, ये तो एक साल और वेट कर लेता. नहीं नहीं नहीं, आपको अगर इतना हाईली देख रहे हैं ना, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है. नो मैटर, शायद आप मेरे सारे व्यूअर्स तो इस एनर्जी में नहीं होंगे, लेकिन जो हैं उनको मैं यही कहूँगी आप इसी एनर्जी में रहें, और जो नहीं हैं उनसे ये कहूँगी कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, खुद पे काम करो, अपने गोल पे फोकस करो और एम्प्रेस के एनर्जी में आ ही जाओ, आना ही पड़ेगा. सो तभी आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे और आपको वो देंगे जो आप इस कनेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर रहे बैठे हो. आई वॉन्ट स्ट्रेंथ. इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आपको अप्रोच करने के लिए इनको हिम्मत चाहिए. और क्या है? जय सिया राम. और क्या है? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी. आपके पर्सन कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं.
वो आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ओके सो जब ये तो तभी पता चलेगा जब ये आएंगे, जय श्री आराम। और क्या है, आई कान टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। इस वक्त आपको कुछ भी नहीं बता सकते, बस आपको बोल रहे हैं कि आप इनका वेट करो। अभी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे को बोलने वाले कि मैम कितना और वेट करें, तो मैं तो यही कहूँगी अगर एक साल वेट कर लिया तो एक महीना और सही, एक महीना वेट कर लिया तो एक दो दिन और सही, एक दो दिन वेट कर लिया तो एक दो घंटे और सही। तो करो, वेट करो। देखिए अच्छी चीज़ें होती है ना उनमें टाइम लगता है ना, और जो चीप होती है ना उनमें सेकंड नहीं लगता। उप्स। ओके एक लास्ट मैसेज और, जय सियाराम। सो जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये इंसान एकदम परफेक्ट होके आपके सामने आए, आपके पास आए, वरना ऐसे ही देना होता तो ये कब के आ जाते। क्या समझे, आई फील जेलसी व्हेन यू टॉक टू समवन एल्स। सो मेरे कौन से ऐसे व्यूवर हैं जो अपने पर्सन को जला रहे हैं, भुना रहे हैं, ऐसे ऐसे या तो डिप्पी लगा रहे हैं आप किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आप लगा रहे हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप मे बी आप अपने मेल फ्रेंड के साथ कोई डिप्पी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको स्टॉप किया है तो इनको फील हुआ कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और इनका मानना ये है, क्योंकि ये तो खुद ऐसे है ना, इसलिए इनका मानना ये है कि एक इंसान कैसे रह सकता है अपने पर्सन के बिना। वो एक वीडियो देखा था कल परसों मैंने, क्या था वो रील में था, बोला अगर आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं हो रहा है, आप दोनों कपल के बीच, तो समझो झगड़ा कहीं और हो रहा है और आप मैनेज हो रहे हो। तो ऐसी सोच आपके पर्सन की, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे झगड़ा नहीं कर रहे हो, आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कांटेक्ट कहीं और ही है, आपका कहीं और टका भिड़ा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। वो क्या लैला का टाका भिड़ा है, ऐसा सॉन्ग है ना, ओ मेरी चा मेरे को मजनू बना के, कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा के। तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनके बैंड बजा दी है। अभी देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग। ओके आपके पर्सन की तरफ से सॉन्ग, मैं तो ये कहती हूँ झगड़ा करो तो हम लोगों की तरह कीजिए, करा करो। कैसे, जब हमारा झगड़ा होता है ना तो जैसे मान लीजिए वो मनाने के लिए सॉन्ग गाते हैं, जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, तेरे पीछे मैं हर दम हूँ। तो मैं इनको बीच में, मतलब मैं नाराज हूँ फिर भी मैं उनको बोलती हूँ बीच में, सॉन्ग ऐसे नहीं है, ऐसे है जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। अच्छा, ऐसे है क्या ये सॉन्ग, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि मैं कुछ रिएक्शन दूँ। तो आपके पर्सन भी कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं, मुझे लिटरली फील हुआ कि आपके पर्सन ऐसी हरकत कर सकते हैं आपका रिएक्शन चेक करने के लिए। तो अगर वो कुछ भी ऐसी डीपी लगा रहे हैं, कोई ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं, तो समझ जाइएगा, दिमाग की बत्ती ऑन रखिएगा। सॉन्ग है एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों के छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। सो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि एक एहसान कर दो इन पर, इनका मन जो कहता है, इन आपसे कुछ कहना चाहता है तो इनकी सुनो। ओके और क्या है, गणपति बप्पा और क्या सॉन्ग दे रहे हैं। अरे अगेन ये वही सॉन्ग। सो गाइज इनको रिग्रेट है पास्ट के मिस्टेक्स को लेके, इनको रिग्रेट है अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया तो, इसका इनको लिटरली रिग्रेट है। सॉन्ग आया है, दिल दे दिया है चाँद तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा रब दी कसम। हाँ अभी आप लोग कहेंगे मैम ये कसम में तो ऐसे झूठी खाते ही रहते हैं, क्या यकीन करें इनका। तो देखो कसमों पर यकीन मत करो, और मैं तो ये भी कहूँगी कि कुछ लोगों को आंसू भी बहाने आते हैं, ड्रामे भी करते हैं, उन पे भी यकीन मत करो, अपनी इंट्यूशन पे यकीन करो। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है,
और आपकी इंट्यूशन आपसे कहेगी तभी जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे। तो उनसे कनेक्टेड रहिए ताकि आप अपनी इंट्यूशन और अपने ब्रेन में कंफ्यूज ना हो कि कहाँ आपका ब्रेन आपको गाइड कर रहा है और कहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। इन दोनों में डिफरेंस, फ़र्क तो तभी समझ में आएगा जब आप या तो मेडिटेशन करते हैं या यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपका दिमाग चल रहा है, कब आपका दिमाग आपको क्या गाइडेंस दे रहा है और आपका मन आपसे क्या कह रहा है, आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है। सो अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, महादेव के मैसेज आपके लिए, महादेव जी की क्या गाइडेंस है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद सर्वत्र वद्दते। जय सियाराम। आपके लिए आया है शिव जाप। मैंने क्या कहा था, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए, जाप कीजिए, ठीक है। सो हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। ओके, देखिए मंत्रों में बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं मंत्र। सो अगर आप माला का जाप करते हैं तो आप जाप कीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए तुलसी की जो माला होती है वो हर कोई नहीं ले सकता है ना, वो धारण नहीं कर सकता। अगर आप मैरिड हैं, गृहस्थ जीवन में हैं तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको माला करनी है तो आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं, चाहे आपका गुरु हो चाहे ना हो। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है फिर भी अगर आपको माला का जाप करना है तो कमलगट्टे की जो माला होती है वो कोई भी जाप कर सकता है उससे, चाहे आपका फिर आपने गुरु बनाया हो या ना बनाया हो। और उसी मंत्र का जाप करें जो मंत्र आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो आपकी इंट्यूशन आपसे बार बार कहती है। सो उस मंत्र का जाप करें और माला करना स्टार्ट कर दीजिए। माला सच में, आप जब माला का जाप करते हो बहुत आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत पावरफुल बनते हो आप। और अगर आप माला का जाप नहीं कर रहे हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स जो हिंदू नहीं हैं या फिर आप माला का जाप नहीं कर सकते इन केस, तो आप मेडिटेशन तो कर सकते हैं ना, मेडिटेट कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, ठीक है। और अपनी पावर को, आपकी जितनी जो भी पावर है उसको एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। ओके, सो गाइस ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सियाराम।